समय किस तरह टिल्टेड होता है। लेकिन एक मूड को इम्प्रूव करने वाली बात जो कल शाम को सेबी ने मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इंट्राडे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम किए और बिगिनिंग ऑफ द डे एंड ऑफ द डे मार्जिन रिक्वायरमेंट के कैलकुलेशन की मंजूरी को मान लिया, उसके बारे में और बात करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास एसोसिएशन के हेड भी मिस्टर कमलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं ये बताने के लिए कितना बड़ा पॉजिटिव है ये, क्योंकि ब्रोकर एसोसिएशन ने और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव ने एक प्रस्ताव दिया था सभी को कि साहब ये जो है वर्क नहीं कर रहा है, या तो हमें पेनल्टीज आ रही हैं, हमें कस्टमर को पास ऑन करना पड़ता है या खुद एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो कितना बड़ा ये जो सेबी ने शाम को उनका प्रस्ताव माना है, कितना बड़ा पॉजिटिव है, कमलेश जी बताएंगे। गुड मॉर्निंग कमलेश, अगर ये बता सकें कि इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है और ये स्पैन शॉर्ट मार्जिन में चेंज करके बीओडी और एंड ऑफ डे का मार्जिन कर दिया, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है सेबी के द्वारा। हम सेबी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये टाइमली इन्होंने ये रिलीफ दे दी है हमें। इससे क्या होगा, काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा और इसमें जो पेनल्टी और बार बार मार्जिन कलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसमें काफी राहत मिलेगी। सिंपल शब्दों में मैं समझाना चाहता हूं कि अगर आपका बिगिनिंग ऑफ द डे बीओडी मार्जिन 100 रुपया है और मार्केट जब खुलता है और बिकॉज ऑफ वॉलिटिलिटी अगर मार्जिन आपका 102 रुपया होता है, 2 रुपया बढ़ जाता है, तो अभी जो एग्जिस्टिंग सर्कुलर है उसके हिसाब से हमें ये जरूरी था कि हम वो 2 रुपया एडिशनल क्लाइंट से कलेक्ट करें। अब बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर हमें वो 2 रुपये कलेक्ट नहीं करने पड़ेंगे। एज लॉन्ग एज हमने जो 100 रुपये कलेक्ट किए हैं पहले मॉर्निंग में बिगिनिंग बीओडी दैट इज बिगिनिंग ऑफ द डे, तो उससे क्लाइंट को बार बार हमें फोन करके एडिशनल मार्जिन की रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। दिन में 4 दफे स्नैपशॉट चलते हैं और ये वॉलेटाइल मार्केट में कुछ प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से एडिशनल मार्जिन की रिक्वायरमेंट आती है। अब ये बार बार क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना और उसको कलेक्ट करना, अगर कलेक्ट ना कर पाए तो इसको पेनल्टी भरना, ये सारा बहुत ही झंझट वाला काम था ब्रोकर के लिए और क्लाइंट के लिए, और उसमें काफी लिटिगेशन के भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी। हम सेबी चेयरमैन को 2 मई को मिले थे और उन्होंने तुरंत ही हमारी बात मानी और आज 10 मई को उन्होंने सर्कुलर द्वारा ये क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर आपने बिगिनिंग ऑफ द डे का जो मार्जिन अगर आपने कलेक्ट किया है तो इंट्राडे पोजीशन के लिए आपको एडिशनल मार्जिन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एंड ऑफ द डे हमें जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है एट द एंड ऑफ द डे उसको हमें कंप्लाई करना है, वो हम 15 सालों से कंप्लाई कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ है, काफी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है और ब्रोकर का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क काफी कम हो गया है और क्लाइंटों को भी पेनल्टी से छुटकारा मिला है। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है सेबी द्वारा और हम सेबी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश अपना इस पूरे मैटर पर व्यू देने के लिए, इतनी आसानी से मैटर हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चले बढ़ेंगे आगे और अब हमारे साथ